नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड से बहुत सारे बच्चे जो है वो आपके फॉर्म भरेंगे। अब दिक्कत ये है कि समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे भोले भाले भी बच्चे हैं जिनको कि थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ परेशानी को। और एक और दिक्कत है कि ट्वेल्थ वाले बच्चे के लिए फॉर्म है कि नहीं है, वैकेंसी है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर आप टर्नर से आईटीआई कर रखा है तो आप कौन से फॉर्म के लिए वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप रेफ्रिजरेशन से आपने आईटीआई कर रखा है तो कौन से वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, कितने साल का कर रखा है तभी आप एलिजिबल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कहाँ पर एलिजिबल हैं, तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये ग्रेड थ्री के वैकेंसी के लिए हम चर्चा करेंगे, ग्रेड वन के वैकेंसी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ग्रेड थ्री यानी कि जो ओरिजिनल टेक्नीशियन निकलता था पहले वैकेंसी, और अभी निकला है 8000 समथिंग के तकरीबन, ठीक है। तो डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप, चूँकि कंप्यूटर का वेटेज बढ़ गया है इस एग्ज़ाम में, तो अगर आप कंप्यूटर का बुक ख़रीदना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक है काफ़ी अच्छी बुक है। चूँकि यहाँ पे अनर्गल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप देख सकते हैं, इन सभी तमाम जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आए हुए हैं, तो जो क्वेश्चन है वो चुनिंदा है और वो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये जो बुक है वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाता है और हिंदी में भी मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके परचेज कीजिए, क्योंकि आपके जो साइंस के क्वेश्चन है वो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, क्योंकि इसमें वेटेज बढ़ गया है साइंस के क्वेश्चन का। चलिए, सॉरी, कंप्यूटर के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल की जो वैकेंसी है वो कौन कौन से भर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रेड वन की हम बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद ग्रेड थ्री की हम बात करेंगे। बैचलर इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या बीएससी इन कम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी कि आपने बीटेक कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो इन सभी सब्जेक्ट से, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या इन्फो आईटी, उसी को कंप्यूटर कहते हैं, या डिग्री इन इंजीनियरिंग एवब बेसिक स्ट्रीम कम्बिनेशन ऑफ एनी एवब, या इन सभी के कम्बिनेशन में, ये पेरेंटल आपके, आप कर सकते ट्रेड है, इसके सब ट्रेड भी होते हैं, उसमें से भी अगर आपने डिग्री कर रखा है तो पर भी आप एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रेड थ्री की। तो देखिए, ग्रेड थ्री में ब्लैक स्मिथ की जो वैकेंसी है, ग्रेड थ्री की ब्लैक स्मिथ में कौन कौन से जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, मैट्रिक तो होना ही चाहिए, उसके बाद आईटीआई भी होना चाहिए इन ट्रेड। अब ट्रेड पे देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको ये हाँ ट्रेड की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड जो है वो फॉर्जर है, उसके बाद हीट आपके ट्रीटनर है, फोंडीमैन है, आपके पैटर्न मेकर है, मोल्डर है, या आप जो है वो अप्रेंटिसशिप इन सभी में से कर रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी से अगर आपने कर रखा है तभी आप जो है वो इस ब्लैक स्मिथ के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो ब्लैक स्मिथ का पोस्ट आपके लिए नहीं है। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थ्री ब्रिज, जो कि मैं था, मेरी यही पोस्ट थी। अब इसमें जो आपका चाहिए, मैट्रिक तो सब जगह सही है, मैट्रिक तो होगा ही, हम ट्रेड की बात कर लेते हैं। फीटर से अगर आपने कर रखा है, फीटर स्ट्रक्चर से कर रखा है, बिल्डर से कर रखा है, यही तीनों जो है वही एलिजिबल है, आईटीआई या अप्रेंटिसशिप ओबीएस है। इन तीनों के अलावा अगर आपने किसी अन्य से कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है ब्रिज डिपार्टमेंट में। उसके बाद अगर हम बात करें कैरिज एंड वेगन की, तो कैरिज एंड वेगन में आप देख सकते हैं कौन कौन से एलिजिबल हैं। अगर फीटर से आपने कर रखा है, कारपेंटर से कर रखा है, बिल्डर से कर रखा है, प्लम्बर से, या पाइप फीटर से कर रखा है, तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे क्रेन ड्राइवर की, हम बात कर लेते हैं क्रेन ड्राइवर में कौन कौन से जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं आपके। देखिएगा, मैकेनिक, मोटर व्हीकल,
जो मैकेनिक है वो मोटर व्हीकल से आपने कर रखा है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंप ऑपरेटर से अगर आपने आईटीआई कर रखा है, क्रेन ऑपरेटर से कर रखा है, ये सब आईटीआई होते हैं। तो अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल और फीटर में भागते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेवकूफ़ी थी। इन सभी में बहुत कम ही लोग करते हैं और जल्दी से इसमें नौकरी भी हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा ऑपरेटर लोकोमोटिव रेल क्रेन ये सबसे कर रखा है, तो आप यहाँ पे किसके लिए एलिजिबल हैं, क्रेन ड्राइवर के लिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में आपने किससे कर रखा है, देखिए ट्वेल्थ वाला भी आएगा, ट्वेल्थ वाला भी हम इलेक्ट्रीशियन आपने कर रखा है, या मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, वायरमैन आपने कर रखा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कर रखा है, या मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, तो आप भर सकते हैं। उसी तरीके से मैकेनिकल की वैकेंसी है, मैकेनिकल में आपने क्या से आईटीआई कर रखा है, तो आप फीटर से, मैकेनिक डीजल से, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस से आपने कर रखा है, तो या मैकेनिक ऑटोमोबाइल से आपने कर रखा है, या मैकेनिक कर रखा है, बिल्डर कर रखा है, पेंटर कर रखा है, ट्रैक्टर मैकेनिक कर रखा है, तो आप भर सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की हम बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल ये वाला जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपने कर रखा है, तो आप भर सकते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल टीआरएस की वैकेंसी जो है, इसमें भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं, वायरमैन वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वाले भर सकते हैं, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, मैकेनिक भर सकते हैं, एचटी एलटी इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइनिंग वाले, फीटर वाले, बिल्डर वाले, पेंटर वाले, पेंटर जनरल वाले भर सकते हैं, मैकेनिस्ट वाले, कारपेंटर वाले भर सकते हैं, यानी कि कारपेंटर वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं जो ईएमयू ट्रेन चलती है, वहाँ पे आपके जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू में आपके कौन कौन से यहाँ पे जो है वो भर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल सॉरी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक एचटी एलटी इक्विपमेंट, फीटर, बिल्डर, पेंटर जनरल, मैकेनिस्ट, कंप्यूटर सॉरी कारपेंटर, उसके बाद ऑपरेटर, एडवांस मैकेनिक टूल जो है वो भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक मिनट ये क्या हो रहा है, हाँ अब बात कर लेते हैं फीटर की। तो फीटर तो आपको पता ही है, फीटर वाले कौन से है? यहाँ पे फीटर की जो वैकेंसी है इसमें जो है वो आपके फीटर का ही जो लोग हैं वो सिर्फ भर सकते हैं, और कोई लोग जो नहीं है जो नहीं भर सकते हैं। उसी तरीके से पीबे यानी कि जो गैंगमैन जिसे कह सकते हैं उसमें ज़्यादा काम करते हैं, उसमें कौन से भर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में लगभग रहती है ग्रुप डी की हम बात करें, तो यहाँ पे आपके फीटर, बिल्डर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक यही तीन भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन की हम बात करें, तो यहाँ पे आपको जो ट्रेड खोजा जा रहा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन खोजा जा रहा है, वायरमैन खोजा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक खोजा जा रहा है, इतना ही आपके जो है वो सर्टिफिकेट होने चाहिए इसमें से कोई। उसके बाद रिवीटर यानी कि काटी ठोकने वाला जिसे हम कह सकते हैं, इसके लिए आपको कौन सा ट्रेड चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए एक मिनट रिवीटर, हाँ रिवीट का मतलब होता है काटी, जो आप देखते हैं बड़े मोटे मोटे रहते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसमें मैकेनिक्स ग्रिंडर और बस इतना ही, दो ही मैकेनिक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कि आपके सबसे मोस्ट डिमांडिंग वैकेंसी थी एसएनटी की वैकेंसी, यहाँ पे आप ट्वेल्थ वाले जो है वो भर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैट्रिकुलेशन एसएलसी प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, या आपके एनसीबीटी जो आपके आईटीआई भी कर रखे हैं वो भी भर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, यानी कि वो भी एलिजिबल है। इन ट्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ये है तो ऊपर भी भर सकते हैं, नहीं तो मैट्रिकुलेशन एसएलसी प्लस अप्रेंटिसशिप कर रखे हो तो ऊपर भी भर सकते हैं, या देखिएगा यहाँ पे दे रखा है, या आप फिजिक्स मैथ्स कर रखे हैं ट्वेल्थ में तो ऊपर भी भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्वेल्थ वाले वैकेंसी है वो तो सिर्फ ट्वेल्थ वाले के लिए है ही है,
लेकिन अगर आपने आईटीआई भी कर रखा है तब पर भी आप भर सकते हैं। तो यानी कि ट्वेल्थ वाले का दुगना मार्क, कम से एक तो वैकेंसी कम और ऊपर से दूसरे लोगों को भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करवा दिया। ट्रैक मशीन, जो कि आप देखते हैं मशीन चलते रहता है और ट्रैक बिछाते रहता है, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, वहाँ पे फीटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चाहिए, मैकेनिक चाहिए, मैकेनिक डीजल चाहिए, तो ये सब जो डिग्री है वो लोग भर सकते हैं। उसके बाद टर्नर की वैकेंसी है, टर्नर में आपको जो है वो क्या चाहिए, ट्रेड टर्नर चाहिए, ट्रेड ऑपरेटर एडवांस मैकेनिक टूल चाहिए, यही आपको चाहिए। उसके बाद बिल्डर की वैकेंसी है, तो बिल्डर में आपको क्या चाहिए, ऑब्वियस है बिल्डर चाहिए, गैस एंड इलेक्ट्रिक बिल्डर चाहिए, गैस कटर वाला भी चल सकता है, बिल्डर स्ट्रक्चर भी चल सकता है, ठीक है। तो ये बिल्डर से रिलेटेड जितने भी ट्रेड हैं वो है। तो आशा करते हैं अब समझ में आ गया होगा कि जो कहाँ कौन से लोग एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं कि किस में ज़्यादा वैकेंसी है, कौन से में आपके ज़्यादा है। अगर हम बात करें यहाँ पे एसएनटी की वैकेंसी, जो कि ट्वेल्थ वाले हैं, यहाँ पे आपके एसएनटी की वैकेंसी है, तो एसएनटी की वैकेंसी यहाँ पे 42 और 56, तकरीबन 8 और 5 4 9 100 वैकेंसी, 98 वैकेंसी है टोटल, तो काफ़ी कम वैकेंसी है एसएनटी की। और अपने अपने देखिएगा ब्रिज में कितने वैकेंसी है, उसके बाद ब्लैक स्मिथ में कितने वैकेंसी है। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर आपने फीटर कर रखा है तो आपके लिए कौन कौन सी वैकेंसी है, एक जगह इकट्ठा कर देंगे। आपने अगर वायरमैन कर रखा है तो आपके लिए कितनी वैकेंसी है, आपने अगर कुछ और इलेक्ट्रीशियन कर रखा है तो आपके लिए कितनी वैकेंसी है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।